एवरीवन, मैं हूं शिखा भारद्वाज। अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूं। तो फ्रेंड्स, बच्चे बड़े हो या छोटे, सभी को चॉकलेट फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है, और सर्दियों में एक कप हॉट चॉकलेट मिल जाए तो कहना ही क्या। तो आइए बना लेते हैं बहुत ही आसानी से हॉट चॉकलेट। तो आइए देख लेते हैं हॉट चॉकलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मिल्क। तो हमने 2 कप दूध लिया है क्योंकि हम 2 कप हॉट चॉकलेट बनाने वाले हैं। तो 2 कप मिल्क के साथ हम लेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। और शुगर मैंने ली है 3 टीस्पून। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वैसे 3 टीस्पून काफी है 2 कप दूध के लिए। और कोको पाउडर मैं डालूंगी 3 टीस्पून। और मैंने यहाँ पर ली है डेयरी मिल्क चॉकलेट छोटी वाली, और अगर चाहे तो आप यहाँ पर चॉको चिप्स ले सकते हैं इसी जगह पर, या फिर आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं यहाँ पर। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कप्स को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रेड कर देती हूँ इस तरह से। अब हम अपना कप लेंगे और कप को हम थोड़ा सा दूध में डिप करेंगे, हल्का सा, बस इसकी साइड्स पे लग जाए बस। अब इसे हम डिप कर देंगे कोको पाउडर में ताकि साइड्स पे लग जाए इसकी, और थोड़ा सा सुंदर लगेगा ये दिखने में। ये देखिए इस तरह से साइड्स पे लग गया। तो इसी तरह से मैं दूसरे कप में भी कर देती हूँ। इसे थोड़ा सा डिप करेंगे दूध में पहले, बस खाली साइड्स को ये। अब हम इसको डिप कर देते हैं अपने कोको पाउडर में। तो यहाँ पर आप चाहें तो चॉकलेट ग्रेट करके वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी से अपना कोको पाउडर यूज कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध को हम रख देंगे लो फ्लेम पर, और हमने 2 कप दूध लिया था तो उस हिसाब से हम उसमें ऐड कर रहे हैं 3 टीस्पून शुगर। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या आप कम भी कर सकते हैं, वैसे 3 टीस्पून काफी रहेगी। और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर जितना पसंद करते हैं, अगर आप डार्क पसंद करते हैं तो 3 टीस्पून ऐड करते हैं कर सकते हैं, या फिर 2 टीस्पून भी काफी रहेगा। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। आप स्पून से भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा एकदम कोको पाउडर, कोई लम्स नहीं रहेंगे इसमें। तो हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है और हमने इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें ऐड कर रही हूं मैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर बस 1 टीस्पून ऐड कर रही हूं, थोड़ा सा थिक हो जाएगा इससे और अच्छा लगेगा। और अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह पर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बस 1 टीस्पून काफी है, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, चलाते रहेंगे ताकि लम्स न पड़ जाए इसमें। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह मिक्स हो गया है देखिए बिल्कुल, और कोको पाउडर शुगर भी मिक्स हो गई है इसके अंदर, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हैवी भी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी चॉकलेट। तो चॉकलेट मैं इसमें 6 पीस ले लेती हूँ, बाकी मैं ऐड कर दूंगी ऊपर से, ये ऐड कर देती हूँ इसमें, और हम इसको तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसेस में और डाल देंगे, जो मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर ही, और ऐड कर देते हैं। अब इसको लगातार चलाना जरूरी है क्योंकि चॉकलेट नीचे लग जाती है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और बस इसमें एक बॉईल आने देंगे और चलाते रहेंगे ताकि हमारी चॉकलेट नीचे ना लग जाए। बस एक बॉईल आ जाएगा तो हम गैस ऑफ कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारी चॉकलेट में, हॉट चॉकलेट में बॉईल आने लगा है, देखिए। बस हम गैस ऑफ कर देते हैं और अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए अच्छी खास थिक हो गई है, बहुत ही यमी लग रही है। तो आइए हम गरम गरम हॉट चॉकलेट अपनी सर्व कर लेते हैं। तो आइए अपने हॉट चॉकलेट सर्व कर लेते हैं। कप्स पे तो हमने पहले ही कोको पाउडर लगाया हुआ था, और तो फ्रेंड्स बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, जैसे बच्चे कभी नखरे करते हैं दूध पीने में, तो इसको बच्चे कभी मना नहीं करेंगे पीने के लिए। तो लीजिए, हमने अपने यमी सी हॉट चॉकलेट को कप्स में डाल लिया है,
और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ऊपर से क्रीम से इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पर आप एक स्कूप वनीला आइसक्रीम का डाल सकते हैं और इसको चॉकलेट के साथ सर्व कर लेंगे जो हमने थोड़ी सी बचा ली थी। और अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई है मेरी हॉट चॉकलेट और मैंने इसको चॉकलेट से डेकोरेट भी कर दिया है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बच्चे छोटे हों या बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आती है। तो मैं तो ये अपने दोनों बच्चों को देने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।